आज शुरुआत होने जा रही है कॉफी विद करण सीजन 7 की, लेकिन ये क्या, इसकी शुरुआत से पहले ही ऐसा लगता है कि कंगना ने एक बॉम्ब फोड़ दिया है। जी हाँ, आखिर कंगना ने किस तरीके से करण जौहर और कॉफी विद करण पर निशाना साधा है, चलिए आपको बताते हैं। वेल हेलो गाइज एंड वेलकम टू मूवीज अड्डा। आप सभी को बता दें कि कॉफी विद करण का सीजन 7 आज उसका पहला एपिसोड सामने आने वाला है। जी हाँ, 7 बजे आप हॉटस्टार पर देख सकेंगे इस एपिसोड को। और इसी के साथ साथ ऐसा लगता है कि अब कंगना रनौत को ये बात बिल्कुल हजम नहीं हो रही। हाल ही में कंगना ने एक तस्वीर शेयर की है अपने फोटो की, जो कि करण जौहर के साथ उनके एपिसोड की है। जी हाँ, इसको शेयर करते हुए कंगना लिखती हैं, पापा जो इज प्रमोटिंग ऑल द फेमस कॉफी एपिसोड एज इट प्रीमियर्स ऑन ओटीटी टुडे, गुड लक टू पापा जो, बट व्हाट अबाउट दिस एपिसोड, ओ सॉरी, सर्जिकल स्ट्राइक, घर में घुस के मारा था ना, माय एपिसोड इन हिज मोस्ट पॉपुलर एपिसोड्स एंड आफ्टर दिस ही गॉट बैंड ऑन टीवी जस्ट लाइक देयर फिल्म फेयर अवार्ड्स। ना सिर्फ ये, कंगना ने एक और दूसरी तस्वीर शेयर की जहां उन्होंने पिंक विला की एक रिपोर्ट शेयर करते हुए करण का ही कहा हुआ एक कोट शेयर किया। जी हां, जिस पर लिखा है, करण जौहर सेज नेपोटिज्म हैज रिफ्यूज्ड टू लीव हिम, आई एम स्टिल कर्स्ड एंड ट्रोल फॉर इट। इस पर कंगना लिखती है, आई हैव मेड हिम मोर पॉपुलर देन ऑल हिज वर्क पुट टुगेदर, यानी कि मैंने करण जौहर को सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी हासिल करवाई है अपने नेपोटिज्म रिमार्क से रादर देन उसके खुद के सारे प्रोजेक्ट से। वेल, आप इस बारे में क्या कहेंगे बताइएगा जरूर हमें कमेंट सेक्शन में। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। वहां पे रुक जाइए मैम। वेट वेट मैम।